السلام علیکم ناظرین کارگن نامی چوس نامی حبیل ساکر یان رسپچی گنتی دولا حاضر درنگ دیماد ہاں شاید زلفقر علی ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ فائنل میچ پور سے اچھین یوتین یم دینو مہمان خصوصی یکسی یوتین نتی سی سی فیروز خان صاحب یم ایگزیکیوٹیو کونسلر یم نتی ڈی سی کارگل یکسی یوتین یان یان تان تاپر تصمیم میگ نظر نا دی فائنل میچ پیانو دراسی ٹیم یسز کاغلینیون ڈی ایل ایس شمشان فین کلب دراسی بی شانو دی میچ پور ڈولن یوتین خپاچ برابر رپورٹ پور لپ چوک بیما تھنگ سٹیڈیم نا دل تین جوک کارگل نامہ आज के फाइनल मौके पे शहीद जुल्फिकार अली क्रांति क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 मेहमान खुसूसी के साथ इन खिलाड़ियों से मुतारिफ होते हुए श्री सुल्तान जोशी के मैदान में हमारे मेहमान खुसूसी जनाब फिरोज खान साहब गेस्ट ऑफ ऑनर डिस्ट्रिक्ट कारगिल सुखदेव साहब और एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब और तैयार की गई है एसपी हेडक्वार्टर और एसपी जो मेहमानों की तरफ करेगी चैन पार्टी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल की पार्टी वेलकम कर रही है यहाँ हर कोई खड़ा हो जाए एक मिनट की खामोशी क्या है
और किस किसी का मोबाइल खोया है। अब यहां से आगे कौन फील्ड शाबाश गोल 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 पहला रन मुकम्मल, दूसरा रन भी यहां ले बैठे। दो रनों का इजाफा हुआ, अब तीन फ्रेम ग्रास ये खिताब जीत सकती है। टीएलएस के मार्केटिंग मैनेजर ऐसे 26 गेंदों में 56 एक गेंद पांच सुपर ओवर का। अगर नौबत यहां पे आती है फिर से हमारे 10-15 मिनट जाया होंगे। हम खोले टीएलएस चीतों की जरूरत ऑनरेबल सीसी श्री फिरोज अहमद खान साहब, हमारे ऑनरेबल ईसी वटी डिप्टी कमिश्नर कारगिल, अदर स्टीम गेस्ट, हमारे अदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कारगिल के बीडीसी सरपंचेस, जो जहां से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, हमारे सबसे जरूरी स्पेक्टेटर्स, मीडिया और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोनों टीम, आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फाइनल मैच के प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। मैं बताना चाहूंगा सर,
यह टूर्नामेंट हमने इस बार थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश की, कि कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे एरिया से जो है टीम लाने की, हर जगह की के यूथ को इन्वॉल्व करने की। तो काफी गर्व से कह रहा हूँ सर, पे आज कल्बिनेट हो रहा है सर, हमारे सब डिवीजन लेवल पे भी इसी तरीके का एंथुसियाज्म देखने को मिला था। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे भी बड़ा लेवल पे टूर्नामेंट को मुनक्किद करने की कोशिश की जाएगी। ये एक पहल है कोविड के बाद, ये बंद हो गया था टूर्नामेंट, ये एक पहल है कोविड के बाद। इसमें टीम्स को भी आगे आने की जरूरत है सजेशंस के साथ कि और क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है ग्राउंड में, इंतजाम में, एनी अदर थिंग रिक्वायर्ड। इसी के साथ मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और थैंक यू बोलता हूं कि आप लोग सब अपना कीमती वक्त जो है आज आप लोगों ने हमें दिया और इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाए, सुबह से आप लोग ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, थैंक यू, शुक्रिया। तो इसके बाद में बड़े इज्जत और एहतराम के साथ दावत देता हूं डिप्टी कमिश्नर करगिल जिनाब संतोष सुखदेव आयस की, वो दाइस पर अपनी तकरीर सुना दें। हमारे सारे स्पेक्टेटर्स, प्रेस के मेरे साथी, सलाम जुले। सबसे पहले शिमशा को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे किया और सबको एंजॉय करने का मौका दिया। ग्राउंड पे आज जितनी भीड़ दिख रही है और जितने खुश लोग यहाँ पे दिख रहे हैं उससे पता चलता है कि मैच कितना रोमांचक था और लोगों को कितना मजा आया है। हमारे जो कमेंटेटर साहब थे यहाँ पे उन्होंने भी बहुत ज्यादा मजा दिलवाया, बिकॉज जिस हिसाब से वो कमेंट्री कर रहे थे उनको सुन के लोगों को ज्यादा आनंद आया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एसएसपी साहब के लीडरशिप में ये टूर्नामेंट बड़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया था। सारी टीम सब किट डिस्ट्रीब्यूट किए सब डिविजन लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और आज इतना अच्छा मैच यहाँ पे हुआ है। मैं अपनी तरफ से स्पेशली द्रास के जिस प्लेयर ने, अब मुझे नाम पता नहीं एग्जैक्टली, बट जिसने 50 की थी उसको मेरी तरफ से मैं 5,000 रुपये का अनाउंस करता हूँ। सेकेंड शिमशा की तरफ से जो यंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर आप जिसको बोलते हो, लास्ट ओवर जिसने डाला था उन्होंने बड़ी अच्छी बॉल, मुस्तफ़ा, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग भी अच्छी की थी, उसको भी मैं 5,000 का इनाम यहाँ पे घोषित करता हूँ। और तीसरा जो हमारे कमेंटेटर साहब है उनको भी मैं 5,000 का इनाम घोषित करता हूँ। तो फिर से डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, सारे प्लेयर्स को, सारे आवाम को मुबारकबाद देना चाहूंगा और साथ ही में इसी तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, लोगों को, यूथ को एंगेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपना काम करती रहेगी, इसके लिए उनको बधाई भी देना चाहूंगा, थैंक यू। ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स जनाब डीसी साहब, एसएसपी साहब, ऑनरेबल काउंसलर्स, बीडीसी चेयरपर्सन, सरपंच हजरात, और सबसे बढ़ के आज हमारे बीच शहीद जुल्फ़िकार अली के वालिदा भी मौजूद हैं, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूं। और तमाम हमारे आज के रनर्स और विनर्स दोनों प्लेयर्स, और सबसे हट के हमारे जो शाकीन जिन्होंने एक बेहतरीन मैच का यहां पे लुत्फ उठाया, सबको मेरी तरफ से सलाम और जुले। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के तमाम जवान हेडेड बाय हमारे डायनेमिक एसएसपी जनाब इनायत अली चौधरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने सिर्फ एक टूर्नामेंट ही ऑर्गेनाइज नहीं किया बल्कि एक नए तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। हालांकि हम जानते हैं कि इससे पहले भी शहीद जुल्फ़िकार अली के नाम पे टूर्नामेंट चलाए गए, लेकिन ये वाला जो टूर्नामेंट था ये थोड़ा मुख्तलिफ था। इसमें उन्होंने हमारे रूरल एरियाज में जो हमारे जवान हैं, जो क्रिकेट शौकीन हैं, उनको भी मौका दिया, सब डिवीजन से लेकर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट तक के लोगों को यहाँ मुकाबला किया दिलाया, उन्होंने चांस दिलाया दोनों टीमें, जिसमें हमारे डीएलएस शिमशा और हमारे फ्रेंड्स द्रास दोनों के कप्तान और प्लेयरों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा गेम यहाँ पे आप लोगों ने दिखाया है, क्योंकि हार जीत तो गेम में होता ही रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लास्ट ओवर के लास्ट बॉल पे ऑलमोस्ट हमारा आज मैच जो है डिसाइड हो गया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो कि बहुत पुरानी हमारी बहुत पुरानी टीम है, बहुत बेहतरीन खेल खिलौने यहाँ पे खेला है फ्रेंड्स द्रास, जब मैं क्रिकेट खेलता था आपका तब से फ्रेंड्स द्रास जो है टीम मौजूद थी, उस वक्त हमारे सबसे ऑलराउंडर, बेहतरीन ऑलराउंडर जब हमने लेह टीम लिया था, मेरे साथ थे मिस्टर फयाज, शायद वो मौजूद होंगे,
तो वो टीम जो है अभी भी टीम मौजूद है, उनको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उससे हटकर हमारी जो यंगेस्ट टीम है अभी यहाँ पे DLS शिमशा, जिन्होंने इससे पहले भी जो टूर्नामेंट फाइनल जीता, उनको बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यानी क्रिकेट टूर्नामेंट को ये सिर्फ पुलिस का काम जो है वो नहीं निभाते हैं, क्योंकि पुलिस के हमेशा जो है वो दो रुख हैं, एक तो है लाइन ऑर्डर, दूसरा लोगों की सेवा। तो दोनों जो है सिक्के का जो दो रुख है, दोनों रुख पे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस काम कर रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है, सोशल काम भी करते हैं, और खासकर जो यूथ को एंगेज करने में इन्होंने जो काम यहाँ पे कर रहे हैं, उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और लास्ट में एक बार फिर हमारे जो विनर हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, जो हमारे रनर्स हैं उनको भी, और बाकी भी जितने भी टीमें सब डिविजनल पे जिन्होंने खेला, जो विनर रहे उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस टूर्नामेंट में जो भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में पुलिस के अलावा और भी जो भी एजेंसीज जो इन्वॉल्व थे उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने कमेंटेटर साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी बहुत अच्छा कमेंट्री किया और लोगों को बहुत अच्छा एंटरटेन किया। तो मैं लास्ट में जो मैं इस पूरे मैच में थोड़ा सा मुतासिर रहा वो है हमारे यंगेस्ट प्लेयर जो लास्ट ओवर जिन्होंने किया, मिस्टर मुस्तफा, उसको मैं अपनी तरफ से 10,000 देता हूँ, क्योंकि वो हमारा यंगेस्ट और एनर्जेटिक प्लेयर हैं। अगर इनकरेज करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनको ये इनाम देता हूँ। बाकी मैं फाइनली एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर SSP साहब का हमें यहाँ मौका दिया और इतना अच्छा खेल जो है देखने का मौका दिया, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, पूरी पुलिस करगिल पुलिस को बहुत बहुत। सबसे पहले तो मुबारकबाद ही आपको, काफी मशक्कत के बाद आज फाइनल्स में आप पहुंचे, जीत चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो फाइनल्स पहुँच के जीतने का एक प्राउड मोमेंट होता है, इट्स ऑनर टू बी ए चैंपियन साइड। तो फिर ये इस ग्राउंड में तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब आप एक ही साल के अंदर दो बार चैंपियंस रह चुके हैं, बहुत प्राउड मोमेंट। तो किस तरह की तैयारी थी आपकी? तैयारी ये थी कि हम अपने स्ट्रेंथ पे ही काम कर रहे थे, जहाँ तक हमें पता था कि हमें नो डाउट एक अच्छी टीम के खिलाफ हमें खेलना, हार्ड लग गया था, मैं अपनी अपोनेंट टीम को द्रास ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट कारगिल बेहतरीन टीम है, 90 से चलते आ रही। तो फिर हमें यही पता था कि एक अच्छे बॉलिंग अटैक और अच्छी बैटिंग स्ट्रेंथ के साथ हमें फाइट करना है, तो फिर हमारे इजी टास्क बनाया था, लेकिन हमने यही करना था, हमें अपने प्लान्स पे मतलब स्टिक, हमें प्लान्स पे ही रहना था, और हमें अपने प्लान्स अच्छे से एग्जीक्यूट करना था, जो हमारे लिए हो गए। मुस्तफा ने आज यहाँ पे काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और काफ़ी गर्व की बात हुई, क्या कहेंगे? देखिए जहाँ तक मुस्तफ़ा की बात होती है, ऐसे ही ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे आपका टेम्परमेंट चेक होता है, यहीं से तो प्लेयर निकलते हैं। मुस्तफ़ा की बात रही, मुस्तफ़ा को मैं पिछले लास्ट 1.5 साल से देखते कर रहा हूँ, ये छोटा धमाका छोटा है छोटा, लेकिन काफ़ी सेंसिबल गेम खेलता है। जहाँ तक इससे पहले वो कुशल नाक्स बैटिंग के थ्रू भी हमें दे चुके, बॉलिंग मुझे पूरा भरोसा था मुस्तफ़ा को, इंशाल्लाह और आगे भी चले। तो आपका क्या पैगाम रहेगा आने वाले वक्त में? आने वाले यूथ के, तो मैं यही कहता हूँ कि गेम की तरफ आइए, क्रिकेट खेलिए, तो फिर इंशाल्लाह रहमान पुलिस महकमे का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इस तरह इतना अच्छा इंस्टीट्यूट, शायद दुल्का टूर्नामेंट पहले भी होता था लेकिन इस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं, पहले ब्लॉक लेवल पे आना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे आके इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करना, इट्स क्वाइट एक्सेप्शनल हम सब के लिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस महकमे का, और आइंदा भी इसी तरह के टूर्नामेंट्स कराते रहे, ताकि हमारा रॉ टैलेंट वेस्ट ना हो जाए और अच्छे टैलेंट सामने आ जाए। थैंक यू। इस टूर्नामेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे और जुल्फिकार अली टूर्नामेंट काफ़ी सालों बाद देखने को मिला, तो क्या कहेंगे? जी सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोग मीडिया के जो भी लोग थे, आप सब ने हमें इतनी ज़्यादा सपोर्ट की स्टार्टिंग से, टूर्नामेंट जब बिल्कुल छोटे गाँव से हमने ब्लॉक डिवीजन से स्टार्ट किया, तब से आप लोग हमारे साथ हैं। आज जैसा मुझे बताया जा रहा है कि ये काफ़ी हिस्टोरिक टूर्नामेंट रहा है, इतने लोग कभी किसी क्रिकेट मैच में नहीं आए हैं कारगिल में, विच इज़ इन इट्सेल्फ अ कमेंडेबल थिंग टू फॉर अस। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ से ये पता चला कि लोग कितना इंटरेस्टेड है मैचेस में खेलने में, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा विनर टीम को भी, रनर टीम को भी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि इससे भी ग्रैंड लेवल पे हम टूर्नामेंट करने की कोशिश करेंगे।